में क्या होता है, मेनली 33 इंचेस लगता है जो हमारी पैसेंजर रिक्शा होती है उसमें, और 35 इंचेस लगता है जो हमारी कमर्शियल रिक्शा होती है, कार्ट रिक्शा होती है। जितना भी सिस्टम चलता है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ईवी का, इन्हीं से ही चलता है। ये पैनल है और ये मोटर, ये कंट्रोलर है, ये मोटर है। ये नेक्स्ट आइटम हमारे पास, इसी में अपग्रेड वर्जन बुलेट प्रोफाइल रहती है। मोटर आप देखेंगे, ये हजार वॉट की मोटर है। इधर जब ये ऑन होता है तो इसमें किलोमीटर स्पीड और अपना ये सब कितना है और कितना बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो कंपनी के चार्जर भी आते हैं और एक इम्पोर्टेड चार्जर भी आते हैं। इम्पोर्टेड चार्जर में ये बेस्ट क्वालिटी के चार्जर हैं, और इसी में हल्का वाला होता है, थोड़ा सा सस्ती रेंज का, वो ये वाला है, आप देख सकते हो सिल्वर में। यस, सिल्वर में। कुल 980 से 1000 रुपये पेटी, 20-20 की पेटी होती है, और बहुत अच्छा गियर ऑयल होता है इसमें। चिपचिपाहट जो होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी के जो शौकीन हैं, या जब बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, या काम करना चाहते हैं, शॉप करना चाहते हैं, या बड़े की डीलिंग करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी, ऐसे ही 7 पट्टे की कमानी होती है, ऐसे ही 8 पट्टे की कमानी होती है। ये नोक होती है, और इसी में फिर हाई एंड वर्जन हमारे पास रहता है, ये बुलेट प्रोफाइल। मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेयर पार्ट्स में मैं डील कर रहा हूँ, और पूरे पैन इंडिया लेवल पे डील कर रहा हूँ। गियर बॉक्स है, और इसके अंदर फिर एक छोटा और स्मॉल गियर है, आइडल गियर उसको बोलते हैं। मेन प्रोडक्ट से लेके चाइल्ड पार्ट तक सब मेरे पास मिले, हर चीज मिले। आदाब नमस्कार, मैं अकरम खान, द न्यूज गेट में आपका स्वागत है। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी के अलग अलग सेगमेंट्स को मैं टच करता रहता हूँ, जो जो नई नई चीज़ें मार्केट में आती रहती हैं वो सब मैं आपको दिखाता रहता हूँ। अब ईवी में यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, चाहे वो 2-व्हीलर हो, 4-व्हीलर हो, 3-व्हीलर हो, यानी कि ई रिक्शा जो होती है वो हो, उनकी एसेसरीज हो, नए मॉडल्स हो, उन सब के बारे में बताता हूँ। आज हम जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, जिस वेयर हाउस में मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ, ये एसेसरीज का मटेरियल यहाँ पर मिलता है, यानी कि ई रिक्शा का जितना पार्ट्स है, जितने मटेरियल्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। चाहे वो मोटर हो, या इसके अलावा और दूसरी एसेसरीज हो जो लगने वाली होती हैं इसमें, वो सारी चीज़ आपको मिलने वाली है। होलसेल में भी मिलेगी और रिटेल में मिलेगी, पूरे भारत में, पूरे इंडिया में, कहीं भी से भी आप मंगवा लीजिए। यहाँ से, मतलब ये जो वेयर हाउस है, इस जगह से आप पूरे भारत में कहीं से भी आप मंगवा सकते हैं। दिल्ली के, यानी कि उत्तरी दिल्ली के रोहिणी इलाके में हूँ मैं, है तो ये उत्तरी दिल्ली रोहिणी इलाका, लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, पूरा भारत जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे से, तो इसलिए अब कोई मसला नहीं होता। तो इसलिए ऑनलाइन चीज़ों को सिलेक्ट कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा। आज मैं भी देखता हूँ, समझता हूँ कि इस चीज़ में ऐसी क्या खास बात है जो आपके बहुत काम की होने वाली है। ये दोनों तरह से काम करेगा, ये स्टार्टअप भी काम करेगा, छोटा मोटा बिजनेस भी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए काम कारगर साबित होगा। और इसके अलावा आपके पर्सनल चीज़ जो हैं, या और जिस तरह का काम करते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक व्हीकल में डील करते हैं ईवी में, तो उसके लिए भी ये बहुत फायदे का सौदा होने वाला है। पूरा वेयर हाउस देखिए कितना बड़ा है, विकास जी का। विकास जी, आपका चैनल में स्वागत है। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम विकास कश्यप है, और लास्ट 7-8 ईयर्स अप्रॉक्स मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेयर पार्ट्स में मैं डील कर रहा हूँ, और पूरे पैन इंडिया लेवल पर डील कर रहा हूँ। और एक मेरा वेयर हाउस लखनऊ में है, उसकी बात हम आगे बाद में दूसरी वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी जो करंट जहाँ पर दिल्ली के रोहिणी एरिया में है, मैं यहाँ पर अपने सारे प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज ये सब आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सारी एक्सेसरीज आपके यहाँ मिलेंगी, सब कुछ, मेन प्रोडक्ट्स से लेके चाइल्ड पार्ट तक सब मेरे पास मिलेगी, हर चीज मिलेगी, हर चीज इलेक्ट्रिक व्हीकल की हर चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और वो आपको विकास कश्यप जी बताएंगे क्या क्या है। आपको रिक्शा बनानी है, आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, आपको दुकान खोलनी है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विकास कश्यप से। चलिए, बहुत बढ़िया। आप देखते हैं कि ऐसी क्या खास बात है इनके कि लोग यहाँ पर आते हैं और इनका रेफरेंस देते हैं कि भैया ये कहाँ पर है, ये चीज़ें दिखाइए। सबसे पहले मेन पार्ट से स्टार्ट करते हैं, रिक्शा की जान, रिक्शा की पहचान, डिफरेंशियल से। इसमें काफ़ी सारे साइजेस आते हैं, 33 इंचेस, 35 इंचेस, 42 इंचेस, 48 इंचेस, 52 इंचेस। इसको जैसे ये इसमें क्या होता है, व्हील्स इसमें लगते हैं, इसमें दोनों तरफ रिम लगते हैं, उसके ऊपर टायर लगता है। इधर की तरफ आप देख सकते हैं, इधर की तरफ आप देख सकते हैं, और ये गियर बॉक्स होता है जैसे कि आप देख सकते हो। उसके चाइल्ड, अब जैसे ये मेन पूरा कंप्लीट डिफरेंशियल है, ये आप देख सक रहे हैं कि पूरा कंप्लीट डिफरेंशियल है। इसकी ये नट, इसकी वाशर, रियर एक्सल का नट, ये चीरा पिन, इसके अंदर एक्सल लगा होता है, यहाँ पर मेन इसकी बॉडी के अंदर एक्सल लगे होते हैं, साइजेस होते हैं उसमें, वो सारे साइज, ये केम, ये पूरा गियर बॉक्स, इसके अंदर जो चाइल्ड पार्ट्स होते हैं इवन, वो आप मेरे से परचेज कर सकते हो। बहुत अच्छे। अच्छा, इसमें अलग अलग मॉडल्स में आते हैं आपके पास, सभी किस्म के मिलते हैं। इसमें क्या होता है, मेनली 33 इंचेस लगता है जो हमारी पैसेंजर रिक्शा होती है उसमें, और 35 इंचेस लगता है जो हमारी कमर्शियल रिक्शा होती है, कार्ट रिक्शा होती है उसमें। और उसके बाद जो भी मॉडल्स आ जाते हैं वो DIY के लिए यूज़ होते हैं, जो रिक्शा होती है गोल्फ कार्ट के लिए जो होता है कार, उसके लिए यूज़ होती है, उसमें लगते हैं बाकी सारे साइजेस। बहुत बढ़िया। तो यानी कि अच्छा, अब इसमें ये इसके प्राइस क्या रहने वाले हैं, जो जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचे। प्राइस इसका बड़ा कॉम्पिटिटिव रहने वाला है। आपके व्यूअर्स, अपने व्यूअर्स से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी
प्राइजेज इसके रहते हैं ना, इम्पोर्टेड आइटम ये होती हैं, और इसमें क्या होता है कि प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं ड्यू टू, ये क्या होती है, मेटल आइटम होती है, लोहा, अपना कॉपर, अपना एल्यूमिनियम, ये क्या है, अप डाउन करती रहती है, तो उस वजह से प्राइस फ्लक्चुएट रहते हैं। बट फिर भी जो हमारे व्यूअर्स होते हैं और जो मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, प्राइस बड़े कॉम्पिटिटिव रहने वाले हैं। आप एक बार काम करें, आप विजिट करें, वेयर हाउस में आए, देखें। एक टेंटेटिव बताइए, मतलब 2 सितंबर यानी आज 2 सितंबर है, हाँ 2022, तो क्या रहने वाला है आज का? इसका आपके लिए प्राइस रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 4400 होलसेल प्राइस, 4400 ये होलसेल प्राइस है। और जैसे कि इन्होंने खुद ही बोल दिया विकास जी ने कि फ्लक्चुएट करता रहता है, तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो तो प्राइस को ये फिक्स मत समझिएगा, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए आगे चलिए सर, आगे हमें और क्या, नेक्स्ट आइटम मैं आपको दिखाता हूँ, ये लीफ स्प्रिंग, आप ये लीफ स्प्रिंग देख सकते हैं, इसके अंदर 6 पट्टे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 7 पट्टे की कमानी होती है, ऐसे ही 8 पट्टे की कमानी होती है, 8 पट्टा आप उधर देख सकते हैं। और उसके बाद एक हाई एंड रिक्शा के लिए जो होती है, जैसे सिटी लाइफ वगैरह जो यूज़ करते हैं, वो अपना 22-24 इंचेस या ऐसे कोई रिक्शा है जो न्यू मॉडल की डेवलप करते हैं, तो देखो कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है उन कंपनी के लीफ स्प्रिंग के कंपैरिजन में। तो ये बहुत रेयर मिलती हैं ये वाली लीफ स्प्रिंग, तो ये आप हमसे परचेज कर सकते हैं और ईजिली आपको सिंगल शॉट, अगर आपको 100 ऑर्डर चाहिए मेरे पास मिलेगा, 10 पीस चाहिए, 10 सेट चाहिए मेरे पास मिलेगा, आप एक बार में ऑर्डर करते हैं 500 सेट चाहिए तो 500 सेट में मेरे पास मिलेगा, यानी कि 10 से लेकर 10 से कुछ कम भी हो पाएंगे, 10 से आप एक सेट ऑर्डर करो सर, एक सेट। अरे यस, ये बात मैं यही बात पूछना चाहिए, यानी 1 से लेकर 50-100 तक आप इजिली लेकर कितने तक भी, कोई लिमिट नहीं उसके बाद, रिटेल और होलसेल दोनों मिलेंगे। देखो होलसेल आप लेंगे तो फायदा ज्यादा पहुंचेगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इनका प्राइस कहां से कहां तक रहने वाला है? प्राइसेस इसका रहता है, होलसेल प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, रिटेल की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, जो बल्क बायर होते हैं, 6 पट्टे की हमारी कॉस्टिंग रहती है 720 से 725 रुपए तक, और जो भी अब आपके व्यूअर्स जो हमारे व्यूअर्स जो आपका नाम लेके आते हैं तो उनके लिए डेफिनेटली डिस्काउंट रहेगा। बहुत सही, देखिए हर चीज़ आपके सामने है, बहुत क्लैरिटी के साथ बता दी, रिटेल होलसेल दोनों है, यानी कि रिटेल में आप लोगों तो होलसेल का प्राइस भी कहीं ना कहीं आपको पड़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक ही मेन आइटम में से एक आफ्टर सेल में जो दुकानदार भाई लेते हैं वो एक्सेल है, 17-17-2 में ओल्ड मॉडल न्यू मॉडल, 17-5 18 इंची, 18-5 18-2 19 इंची, 22 इंची, सारे साइज मेरे पास मिल जाते हैं, आप देख सकते हो मेरे पास स्टॉक पीछे लगा ही हुआ है। और डिफरेंशियल का ये मेन पार्ट होता है, इस डिफरेंशियल के अंदर का ये पार्ट होता है मेन, इसमें 17-2 लगता है, तो आपको बहुत रीजनेबल प्राइस पे, जैसे कि आज का इसका प्राइस है 148 रुपीज़, तो आपको ये प्राइस और कहीं नहीं मिलेगा। और अगर और बल्क में रहते हो तो डेफिनेटली जो अकरम भाई का चैनल देख के आते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए डिस्काउंट रहेगा, बल्क में और ज़्यादा रहेगा। तो ये मान के चलिए कि आपको पार्ट्स की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, आप पार्ट्स कोई भी लें, कभी भी लें, रिक्शा लाइन के, ई रिक्शा का कोई भी पार्ट लें, बैटरी को छोड़कर आपको सारा मिलेगा मेरे पास। आप ये रिम देख सकते हैं, नेक्स्ट आइटम हमारी है, ये रिम रहता है, ये जो दुकानदार भाई यूज़ करते हैं अपनी शॉप के लिए, इसमें 2 किलो 400 ग्राम, 2 किलो 800 ग्राम दोनों हमारे पास वेरियंट रहते हैं, और आप जितनी मर्जी क्वान्टिटी में आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आप इसमें देखेंगे ये नोक होती है, और इसी में फिर हाई एंड वर्जन हमारे पास रहता है, ये बुलेट प्रोफाइल, ये नेक्स्ट आइटम हमारे पास, इसी में अपग्रेड वर्जन बुलेट प्रोफाइल रहती है। इसमें मेरे पास काफ़ी सारे ब्रांड मिल जाएंगे आपको, जैसे कि इसमें एक ये KDR है, CY+ एक बहुत अच्छा रेपुटेटेड ब्रांड है, CY+ मिल जाएगा, SPL अभी हमारी बात चल रही है, आगे देखेंगे उसको, SPL भी हमारे पास मिल जाएगा। और उसके बाद जैसे बुलेट प्रोफाइल और इसमें आप फर्क देखेंगे, तो इसमें क्या है, ट्यूब फटने का डर रहता है, और ये बुलेट प्रोफाइल का मतलब ये होता है ये वापस रिटर्न होकर यहाँ पर आ जाता है, तो ये काफ़ी हैवी वेट में भी होता है, 3 किलो 300 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। सही बात है, दोनों में फर्क महसूस हो रहा है ये। आप देख रहे हैं। और इसके बाद हाँ। ये क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट होता है और काफ़ी ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी रहती है, और ये मतलब रिक्शा में जैसे 600 किलो की कैपेसिटी रहती है इसकी, 500 से 600 किलो, तो आराम से इजीली जब तक रिक्शा खत्म हो जाएगी रिम खत्म नहीं होगा, तो इतनी हाई एंड प्रोडक्ट। इसकी क्या कॉस्ट रहने वाली होती है? इसकी कॉस्टिंग रहती है सर 520 रुपये। अच्छा, और इसकी, इसकी 2 किलो 400 ग्राम की रहती है, कोई बात नहीं लगा लें, क्योंकि और देखिए जो प्राइस बताया जा रहा है वो फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएट होता रहेगा, क्योंकि जैसे कहा कि आयरन के और स्टील और इन सब के जो
प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। 320 से 325 रुपए में आपको यहाँ पर रिम मिल जाएगा तकरीबन 2 किलो 400 ग्राम तकरीबन जो प्राइस बताए वो हाँ अप्रोक्स है। ये आगे पीछे भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, दोनों की। आप लेट सपोज आप ये ऑर्डर मेरे को कल कर रहे हैं, 2 सितंबर को हम वीडियो शूट कर रहे हैं, उसके बाद 4 सितंबर या फिर अभी एक हफ्ते के अंदर ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको सेम रेट पे मिल जाएगा। यही आप अगर 5 महीने बाद 4 महीने बाद ऑर्डर करते हैं तो उस दिन का जो रेट होगा उस दिन के हिसाब से बेटर। अक्सर ये होता है कि वीडियो शूट होता है, लोग समझते हैं कि ये कल बनी है, लेकिन वो 6 महीने बाद 7 महीने बाद देखते हैं, तब तक रेट जो है बहुत ऊपर नीचे हो चुका होता है। चलिए अब देखें और अंदर क्या क्या खास आइटम है। विकास भाई और क्या क्या आइटम है? नेक्स्ट आइटम हमारी रहेगी सेंटर मिरर। सेंटर मिरर आप ये देख सकते हैं, काफ़ी ये भी एक एसेंशियल प्रोडक्ट एक्सेसरीज में आता है, बट ये एक्सेसरीज में से एसेंशियल प्रोडक्ट होता है क्योंकि इससे ड्राइवर जो होता है वो अपना पीछे का जो साइड व्यू होता है, साइड व्यू प्लस पीछे का व्यू, बैक व्यू, वो सब देख सकता है, जिससे ड्राइवर को चलाने में आसानी होती है। ठीक है, कॉस्टिंग बता रहे हैं इसकी। कॉस्टिंग इसकी कुल और कुल 35 रुपीज़ सिर्फ मात्र 35 रुपये का आपको पड़ने वाला है ये। और ये सब बॉक्सेस सब वही सब भरे हुए हैं आपके हैं? ये भरे हुए हैं, आप जितना मर्जी ऑर्डर कर सकते हैं। आप बोलो मेरे को एक सिंगल शॉट में 1000 पीस चाहिए, आपको 1000 अभी के अभी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए माल की कोई दिक्कत नहीं है, माल आपको खूब यहाँ पर मिलने वाला है। और बिजनेस को मैंने कहा ना कि जो स्टार्टअप करना चाहें, बिजनेस करना चाहें, अपना काम करना चाहें, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। विकास भाई क्या निकाला आपने? नेक्स्ट आइटम हमारी है गेयरबॉक्स। जैसे कि अभी डिफरेंशियल दिखाया था तो ये उसका एक पार्ट है। डिफरेंशियल जैसे पूरा कंप्लीट होता है तो उसका एक ये पार्ट है। इसमें देखोगे आप ये गेयरबॉक्स है और इसके अंदर फिर एक छोटा और स्मॉल गियर है, आइडल गियर उसको बोलते हैं। इसके अंदर एक दिखाइए ताकि कैमरे में स्टैब्लिश हो जाए। जी जी बताइए बताइए। ये पूरा गेयरबॉक्स है, ये पूरा गेयरबॉक्स आपको मिल जाता है। इसका अभी के लिए 1250 रुपये प्राइस चल रहा है इसका। अच्छा, बल्क प्राइस 1250 रुपये चल रहा है इसका। और बाकी जो दुकानदार भाई नया काम करना चाहते हैं तो रिपेयरिंग की शॉप खोलना चाहते हैं तो आराम से इसको 1800 से 1900 रुपये में बेच सकते हैं इसको। देखिए बहुत सही है, मतलब बहुत सस्ते में लेकर बहुत अच्छे में आप इसको बेच सकते हैं, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। सर जैसे कि मैं आपके YouTube के माध्यम से ये बताना चाहूँगा काफ़ी कस्टमर्स को जो ई रिक्शा लाइन में आना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, या फिर जो पहले CNG डीजल पेट्रोल लाइन का जो काम करते थे, 2-व्हीलर का 3-व्हीलर का या कमर्शियल लाइन का, ई रिक्शा लाइन में आएंगे आप तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे खड़ी हुई है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप टाइम वेस्ट करते हैं या उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। द रीज़न बीइंग हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अटेंटिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स को लेके और आगे आगे नई इनोवेशंस को लेके। बस आपको एक स्टेप बढ़ाना है और ई व्हीकल का जो अपॉर्चुनिटी है वो ग्रैब करनी है। आगे बताएं सर। नेक्स्ट आइटम मैं आपको कंट्रोलर्स की वैरायटी दिखाऊंगा। ये हमारा वेंडो इकोनॉमिकल, पहले ये दिखा दीजिए, 3 कंट्रोलर हैं आप। यस यस यस, ये सबसे पहले मैं यहाँ रखिए, तीनों रख दीजिए, ये देख लीजिए पहले, ये तीनों देख लीजिए। ये कंट्रोलर की वैरायटी है अलग अलग और इसमें आप देखेंगे कि इसमें सस्ती रेंज से लेके हैवी रेंज तक सारा है, इकोनॉमिकल और ये सारा है। अच्छा बताना शुरू करें सर। ये हमारा वेंडो इकोनॉमिकल कंट्रोलर है, मार्केट में काफी सबसे नीचे वाला प्राइस है। सबसे नीचे नहीं, एक अच्छी क्वालिटी का और अच्छे रेट में, तीनों में सबसे सस्ता ये वाला है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। हाँ, ब्लैक से शुरुआत करते हैं जी। इसका प्राइस रहता है अप्रोक्स 1850-1800 के बीच में और 1 महीने की इसकी वारंटी होती है। बट ये क्या होता है कि 2-4 महीने 6 महीने साल भर तक आराम से निकाल देता, मतलब साल भर तक आराम से निकाल देता है। आप इसके देखो कनेक्शंस देखेंगे, इसकी वायरिंग देखेंगे कितनी अच्छी वायरिंग है इसकी, बहुत ठीक। अच्छा, ये अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, हम देखेंगे वेंडो का इकोनॉमिकल कंट्रोलर 48 वोल्ट। जितने भी कंट्रोलर इलेक्ट्रिक रिक्शा में लगते हैं, कमर्शियल रिक्शा में लगते हैं, ये 48 वोल्ट पे अपना रन होते हैं, कंपेटेबल होते हैं। उसके बाद इसके कनेक्शन देखिए, वायरिंग देखिए कितनी अच्छी इसकी वायरिंग है और ये इकोनॉमिकल रेंज में है। इसका प्राइसिंग रहता है 2100 से 2200 रुपये इसकी प्राइसिंग रहती है। आप देखो ठीक है, मतलब ये आराम से कितने तक का मार्केट में सेल हो जाता है? मार्केट में देखो ये, इसको जो रिटेलर है या फिर जो रिपेयरिंग करने वाला है वो आराम से इसको 3000 रुपये 3200 रुपये में बेच सकता है एक एंड यूज़र को। अच्छा यस, हमारा ये वाला है। अब ये नेक्स्ट कंट्रोलर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये हमारा CY+ का स्मार्ट कंट्रोलर है। ऐसी स्मार्ट कंट्रोलर में ये देखेंगे आप इसके कनेक्शंस। आप और कंट्रोलर में देखा था वायरिंग आगे है, ये मेन की मोटर कंट्रोलर की और बैटरी के कनेक्शंस की, इसमें कोई वायरिंग का इशू नहीं होता है, इसमें नट होते हैं जो वहाँ से मोटर से कनेक्शन आएंगे वो इसमें इनपुट हो जाता है। और उसके साथ क्या होता है, इसमें सेंसेस होते हैं, सेंसर लगे होते हैं जो सेंस कर लेते हैं कि कोई गलत कनेक्शन इसमें लग जाता है तो ये ड्राइवर को रिपेयर मैकेनिक को
अपना सेंस करके बता देता है कि इसमें गलत कनेक्शन है। ये पूरा इसका चार्ट, क्लैरिटी के साथ सब दिया हुआ है, ये पूरा इसका चार्ट है, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत सफाई जैसे कारों में होता है, बहुत क्लियरली, बिल्कुल है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप खुद भी कर सकते हैं इस काम को, ये सब तो चीज़ें बड़ा मतलब इनका मैकेनिज्म अब इजी हो गया, सिर्फ असेंबलिंग करनी होती है, बस आपके लिए प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। बहुत ठीक, चलिए विकास भाई आगे हमारे पास और क्या चीज़ है। आइटम मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये मोटर दिखाने वाला हूँ। मोटर आप देखेंगे, ये हज़ार वोल्ट की मोटर है, काफ़ी रनिंग मोटर है, सीवाई प्लस के 48 वोल्ट 1000 वोल्ट में। आप ये देखिए, इसके कनेक्शन देखिए, इसकी केबल देखिए कितनी मोटी है, और आप वेट में भी देखेंगे तो 4 kg प्लस है। ये ठीक है, वाकई है, ये हैवी है, 4 kg प्लस है और काफ़ी अच्छी मोटर है। सारे सब ये लगे हुए हैं। यस इसमें काफ़ी माल तो अभी बेच भी चुके हैं इसमें काफ़ी सारा, और माल आता है जाता है, माल आता है जाता है, माल रुकता नहीं है कभी, आगे भी चलता रहता है। ये 1000 वाट आपका, हाँ बिल्कुल। इसमें 900 वॉट, 1000 वॉट, 1200 वॉट, ये सारी अवेलेबल होती है। अच्छा, और ये वाले आपके कौन सी है? ये हमारे पास नेक्स्ट मोटर मैं आपको अपने व्यूअर्स को दिखाने वाला हूँ, GY की। GY में 900 वॉट, 1000 वॉट, ये दोनों अवेलेबल होती है, और इसी में आप इसके कनेक्शंस वगैरह ये देखो, इसकी लीड वगैरह देखो, काफ़ी अच्छी मोटर है, और रिटेलर और रिपेयरिंग वालों की पहली चॉइस यही है अभी इस टाइम। अच्छा, ये भी उसी नहीं की है? नहीं, थोड़ी सी कम लग रही है, थोड़ी सी, हाँ यस। हाँ, वेट देखिए, जो फिंगर से पकड़ में आ गई है उसके लिए थोड़ा सा में नहीं आ रही थी, तो इससे क्वालिटी का थोड़ा सा पता चलता है, फर्क हो जाता है। ये कॉस्ट क्या रहेगी इसकी? इसका सर अभी जो मार्केट का प्राइस चल रहा है 4400 इसका चल रहा है, और वही जैसे OEMs इसको लेते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कंसेशन हो जाता है, जस्ट बिकॉज वो GST पे करते हैं। ये मार्केट में कितने तक की सेल हो जाएगी? ये अगर रिटेलर की बात कर रहे हैं तो ये मोटा मोटी आराम से 4800 से 5000 के बीच में सेल होती है, इजीली हो जाएगी। यस, आराम से। तो यानी कि हर मोटर पे आप 500-600-700 रुपए आराम से, उससे ज्यादा, बल्कि उससे ज्यादा का मार्जिन ले सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, कहाँ पर आप सेल कर रहे हो, कैसी सिचुएशन, आपकी लोकेलिटी क्या है, आप और आपकी आपके पास एरिया कौन सा, कंपटीशन कितना है, कंपटीशन कितना है, बिल्कुल सही, बिल्कुल कंपटीशन कितना है उसके हिसाब से आप करेंगे, बिल्कुल। चलिए विकास भाई आगे चलें। अच्छा, एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ कि जैसे 2-व्हीलर 3-व्हीलर में क्या होता था, इसमें इतना बड़ा इंजन होता था, जाम होता था बहुत बड़ा। अब जो व्यूअर्स नए हैं अपने चैनल पे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में नए आने वाले हैं, उनको मैं रिक्शा का इंजन दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, रिक्शा का इंजन, ये रिक्शा का इंजन है। अब इससे ज़्यादा सुविधा आपको कहीं नहीं मिल सकती कि किसी लाइन में आपको एंटर होना हो और उसके बारे में कुछ पता ना होता। बिल्कुल ठीक बात कही, जितना भी सिस्टम चलता है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ईवी का, इन्हीं से ही चलता है। ये पैनल है और ये मोटर, ये कंट्रोलर है, ये मोटर है, कंट्रोलर और मोटर, इन्हीं सबसे पूरा पूरा रिक्शा ऑपरेट होता है, पूरी आप 2-व्हीलर ऑपरेट होता है, 4-व्हीलर ऑपरेट होता है, इवन एन बस तक ऑपरेट होती है। यस उसमें बस ये कि उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, बस फर्क इतना है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, बाकी जो टेक्नोलॉजी है वो यही काम करती है। विकास भाई साथ साथ आप अपडेट भी करते जा रहे हैं, एजुकेट भी करते जा रहे हैं पब्लिक को। बिल्कुल मैं चाहता हूँ नई इस इंडस्ट्री में आए लोग और समझे, क्योंकि जब तक हम खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे किसी भी चीज का, तब तक इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं होगी। सर आगे बताइए जल्दी, क्योंकि चीजें बहुत है करने की, दिखाने की। नेक्स्ट आइटम मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत रनिंग आइटम, ये हमारा CY का ब्रेक शू कट वाला। ये इसमें और भी कई प्रकार के आते हैं या यही? इसमें बहुत सारे ब्रांड्स वगैरह आते हैं, लेकिन जो दुकानदार भाइयों की जो पहचान है, पहली पसंद है, वो ये CY कट ब्रेक शू है। ये आपको बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पे मिलेगा। आज का इसका प्राइस चल रहा है 78 rupees पर सेट। यस, ये पर सेट। अच्छा, 78 rupees का पूरा सेट का होता है? हाँ, एक व्हील का होता है ये, 78 rupees पर सेट, यानी 78 rupees का आपको ये इधर मिल जाएगा। ये पूरा डब्बा मिलेगा आपको 176 का, ये वाला आपको यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरा ब्रेक शू आपको 176 का एक डब्बा मिलता है। 60 सेट की इसकी पेटी होती है, बहुत रनिंग आइटम होती है। दुकानदार भाइयों को अगर दुकान खोलनी है, मतलब किसी रिपेयरिंग की दुकान खोलनी है, तो ये तो उनके लिए मस्ट है, ये चाहिए ही चाहिए उनको। अच्छा, और ये हमारे देखना, वो लाइट वाइट सब इधर नजर आ रही है। आइटम मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये जो लाइटें लगती हैं, ये नाइन LED इंडिकेटर, इसमें रेड, येल्लो और वाइट, ये आपको दिखाई रहा हूँ, ये सारी होती है। अभी मैं सारी एक एक करके नहीं दिखा सकता, जस्ट बिकॉज आइटम बहुत है मेरे पास, चीजें बहुत हैं और इतना पॉसिबल होता है एक वीडियो की। हाँ, एक यूट्यूब की अपनी एक लिमिट है, लिमिटेशन होती है, आपको और ज्यादा एक्सप्लोर करना है। मेरी फिर रिक्वेस्ट है आप भाइयों से कि आप आए, विजिट करें, फोन करें, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, ऐसा मैं पूरा प्रयास करूंगा और मेरी टीम प्रयास करेगी।
स्क्रीन पर देखिए नंबर भी चल रहा है, आप इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इसमें, बाकी जो डिटेल है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, प्राइस क्या रहा था उसका, ये नहीं बताया? इसका प्राइस रहेगा आपके लिए कुल 40 रुपीज। 40 रुपीज, चलिए 40 रुपए हो गया। आगे सर आगे बताएं। नेक्स्ट आइटम रहने वाली हमारी है कैबिन लाइट, बहुत छोटी सी प्यारी सी लाइट है, जिसे जो रात को जो ड्राइवर पैसेंजर जब ट्रैवल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें पीछे अंधेरा हो जाता है, तो उसके लिए लाइट होती है, बहुत इकोनॉमिकल रेट पे आपको अवेलेबल होती है, कुल 30 से 35 रुपीज़ की प्राइस में आती है। इसमें ऑन ऑफ का ये स्विच होता है और इसी में एक बड़ी भी आती है, उसका प्राइस 50 रुपीज़। आगे सर, नेक्स्ट आइटम में दिखा, ये बैक लाइट आ गई। नेक्स्ट आइटम में दिखाऊंगा आपको बैक लाइट इंडिकेटर, यहाँ पे इंडिकेटर शो होता है और जब ब्रेक पंच करता है कस्टमर ड्राइवर तो यहाँ पर ये रेड लाइट ऑन हो जाती है, और ये पार्किंग लाइट है, इसी में फ्रंट इंडिकेटर। प्राइस सर इसका रहने वाला है 160 रुपीज़ सेट, ये पेयर होता है, ये 160 रुपीज़ का सेट रहता है। 160 रुपीज़ का पेयर है, 160 रुपए का ये पेयर है, और अच्छा माल है, खूब माल है ये। और हमारे व्यूअर्स के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, आपका नाम लेके आते हैं, आपके यूट्यूब का चैनल का नाम लेके आते हैं, डेफिनेटली डिस्काउंट रहेगा। बहुत बढ़िया, नाम लेके आ जाना भैया, आपको भरपूर मिलेगा ही मिलेगा डिस्काउंट, और अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट आइटम मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये MCB। अच्छा, ये दो प्रकार की हैं? यस, इसमें अच्छा देखिए, पहले ब्लू वाली देखिए, ये सस्ती वाली है काफी, इसमें कोई वारंटी नहीं होती, काफ़ी सस्ता है। जिसको भाई रिक्शा लाइन एक ऐसा थोड़ा सा हो जाता है कि इसमें जो रिक्शा चालक होता है ना, जो किराए पे चलाता है, वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता, तो उसके लिए ये है। ये 30 से 35 रुपीज़ का इसका प्राइस रहता है, कोई वारंटी। 35 रुपये हो रही है। और ये वाली जो MCB आप देखेंगे, इसको रिक्शा मैन्युफैक्चरर प्लस जो अच्छे दुकानदार, या ये कहें कि हम अच्छे दुकानदार लेना चाहते हैं, या अच्छे रिक्शा वाले जो रिक्शा मेंटेन करते हैं, उसके लिए MCB है। मात्र 100 रुपये इसका प्राइस रहता है, और उसके बाद ये जल जाए, फुक जाए, कुछ भी हो जाए, पीस टू पीस रिप्लेसमेंट है इसकी। अच्छा, बहुत, अरे बिल्कुल, देखिए बहुत साफ सुथरे, बहुत क्लियर तरीके से सब चीज़ें बता दी हैं सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब नेक्स्ट आइटम मैं दिखाऊंगा आपको, इधर मैं देख रहा हूँ, इधर विकास भाई, इधर आपकी जो छोटी छोटी आइटम जो है ना, ये सब चीज़ें, क्योंकि इतनी डिटेल है यहाँ पर, तो बस मोटे मोटे तौर पर दिखाते जाइए और बताते जाइए आप इन्हें। ये नेक्स्ट आइटम है रियर एक्सल का बुश, जैसे रियर एक्सल होता है तो उसके अंदर ये बुश लगता है, ये थोड़ा सा आप देख रहे होंगे गोल्डन है, तो ये थोड़ा सा हैवी क्वालिटी का है, और इसी में हल्का वाला होता है एक थोड़ा सा सस्ती रेंज का, वो ये वाला है, आप देख सकते हो। अच्छा, सिल्वर में? यस, सिल्वर में, ये दो क्वालिटी आती हैं। अच्छा, तो ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने वीडियो में बताया आपको, और सर ने आपको वीडियो में बताया कि आपको सारा सब कुछ मिलेगा, तो ये सारे नट बोल्ट, चाइल्ड पार्ट आप ये देखेंगे, सारे हैंडल टिकी वाशर, फ्रंट एक्सल, झूला, आपको यू बोल्ट, लॉक नट, विदाउट लॉक नट, आपको सब मिल जाएगा। आप देख रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आपको कि चीरा पिन, हैंडल टी, आपको तो सारी चीजें, सब चीज, मतलब मुझे लग, हर चीज है, सब कुछ, मतलब गोया अगर हाथ खाली हाथ आ जाए तो सामान लेकर पूरे से लेके जाएगा। वो आइटम बोले कि वो ये चाहिए, वो है मेरे पास रिक्शा की। मैं व्यूअर से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पास, मैं बैटरी में डील नहीं करता, बस बैटरी को छोड़ के मैं सारी आइटम में डील करता हूँ। आप आइटम बोलो रिक्शा की कि मेरे को ये चाहिए, चाहे वो एक्सेसरीज हो, चाहे वो मेन पार्ट हो। अच्छा, बहुत सही। देखिए एक एक चीज़ जो भी सामने आती जा रही है वो सब दिखाता जा रहा हूँ पीछे तक। ये और है जो माल वाला जो वेयर हाउस है, वो दूसरा है इनका। मेरे अच्छा, दो वेयर हाउस है यहीं पर। यहाँ पर क्या है, पैकिंग सेक्शन है यहाँ पर, क्योंकि एक एरिया थोड़ा सा लिमिट है यहाँ पर, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ पर पैकिंग सेक्शन है। एक और मेरा वेयर हाउस है, वहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल हम नेक्स्ट आइटम की बात करेंगे, ये है ब्रेक रोड। इसमें साइजेज होते हैं 18 इंची, 20 इंची, 22 इंची, 24 इंची, 26 इंची, 27 इंची, 29 इंची, 33 इंची, 35 इंची, 37 इंची, 40 इंची, 42 इंची। अरे बाप रे, आपने सारे इंची गिनवा दिए। हाँ, काउंटिंग खत्म नहीं होगी ऑलमोस्ट, लेकिन मेरे पास सारे सभी तरह के सारे साइज सारी वैरायटी मिलेगी इधर। अच्छा, इनके क्या अब प्राइस देखिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सबके प्राइस लें, नंबर से आप सीधे इनको कॉल कर पूछ लीजिएगा कि क्या क्या है। जो मोटी मोटी चीजें थी वो सब मैंने बता दी, अब बताएं। नेक्स्ट आइटम हमारी रहने वाली है ये साइड मिरर, जो फैंसी साइड मिरर होते हैं, इसमें क्लैम्प भी आती है, और इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो ये एक रॉड वाला आता है और एक ये क्लैम्प वाला आता है। ये क्लैम्प वाला आजकल फैंसी है, तो इसकी बड़ी ट्रेंडी आइटम है ये वाली, तो ये आप मेरे से ले सकते हैं मात्र 120 रुपये सेट में। 120 रुपये सेट में, दोनों पीस का पेयर। बहुत बढ़िया, 120 रुपये। और आप ये देख सकते हो,
भरा पड़ा है माल, भरा पड़ा है माल की दिक्कत नहीं है। आप बोलो कि आइटम मेरे को इतनी चाहिए उतनी मिलेगी। बैरिंग वैरिंग दिखा। अच्छा, और ये सब आपकी, मैं देख रहा हूँ ये छत जो है ये आयरन रूफ है, ये पूरी आयरन रूफ जो कि रिक्शा मैन्युफैक्चरर और ये होलसेलर दोनों लेते हैं। तो आपको ये 6 फुट की मिलेगी। पहले क्या होता था, फाइबर रूफ चलती थी। फाइबर रूफ में एक प्रॉब्लम क्या आती थी, 6 महीने 8 महीने मैक्सिमम उसमें जैसे धूप लग के, तेज धूप लग के या तेज पानी लग के वो टूट जाती थी, फट जाती थी। इसमें भी क्वालिटी आती है कई तरह की, इसमें वेट का होता है, क्वालिटी आती है इसमें, जैसे 10.5 किलो और 13.5 किलो। ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, मतलब प्राइस कहाँ से और कहाँ तक जाता है? ये मान के चलिए सर 1300 रुपये और 1500 रुपये इसका प्राइस रहता है। 1300 से 1500 तक। यस यस यस, 1300 से 1500 रुपये तक का रूफ का प्राइस रहता है। ये बल्क प्राइस है, फिर मैं व्यूअर्स को बता रहा हूँ, आप जब ऑर्डर करें तो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि एक पीस मैं दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लेट सपोज वहीं से आपके एरिया से, प्राइस ये नहीं होगा। बहुत साफ सुथरी क्लियर कट बात कही है भाई। आप बल्क में लोगे तो ऑब्वियस है कि पैसा आपको कम मतलब यहाँ से पड़ेगा, लेकिन आप एक या दो चीज़ें ले रहे हैं तो फिर, लेकिन फिर भी मार्केट से सस्ता ही पड़ेगा, क्यों विकास भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्राइस मार्केट से बिल्कुल सस्ता रहने वाला है और आइटम आपको जो चाहिए वो मिलने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम मैं दिखाने वाला हूँ, ये हमारा गियर ऑयल, ये हमारी खुद की ब्रांडिंग में है। इसका प्राइस रहने वाला कुल 980 से 1000 रुपये पेटी, 20-20 की पेटी होती है और बहुत अच्छा गियर ऑयल होता है इसमें, चिपचिपाट जो होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। अच्छा, कितना चलता है, कितने किलोमीटर का हिसाब होता है? इसमें मोटा मोटी ड्यूरेशन रहती है, कमर्शियल लाइन की एक एवरेज होती है, मोटा मोटी 5 से 6 महीने आराम से निकाल देता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, ये सब मैं देख रहा हूँ क्या पूरा सब भरा पड़ा है इधर, सारा का सारा ये माल इधर, सारा का सारा गियर ऑयल है, सारा का सारा। मतलब ये तो वो वाले हैं जो पैकिंग के लिए जाने वाले हैं, बाकी वेयर पैकिंग के लिए जाने वाले हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल वाले दूसरे। और ये वाला आपका बैटरी चार्जर, ये नेक्स्ट आइटम में दिखाने वाला हूँ आपको बैटरी चार्जर। ये अपना इम्पोर्टेड चार्जर होता है, इसमें डिस्प्ले होता है, एम्पियर वगैरह सेट होता है, उसके बाद हम इसको वोल्टेज वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो लीवर आप देख रहे हैं, और उसके बाद ये इंडिकेटर होते हैं यहाँ पे बैटरी चार्ज और ये पावर वगैरह ये सब ये इंडिकेट करता है। ये एक कंपनी के चार्जर भी आते हैं और एक इंपोर्टेड चार्जर भी आते हैं। इंपोर्टेड चार्जर में ये बेस्ट क्वालिटी के चार्जर हैं, तो ये भी सब आपके सब भरे पड़े हैं, ये सारे चार्जर हैं आप देख सकते हो। देखो क्या प्राइस रहने वाला है इसका, प्राइस रहने वाला है कुल 2250 रुपये क्वांटिटी पर। यस, क्वांटिटी पर है 2250 रुपये। और यही जो नया काम कर रहे हैं उसको अगर मार्जिन की बात करें तो रिटेल में नातन नाना करते हुए भी 2900 से 3000 रुपये में बिकता है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटर, कितनी तेज चल रही है, कितनी हल्की चल रही है, कितना किलोमीटर चल गई। नेक्स्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बैटरी इधर से क्या होता है, हाफ डिजिटल मीटर इसको बोलते हैं, इसमें मॉडल आते हैं, बाकी ये वाला काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, इसमें क्रोम लगा हुआ है। ये यहाँ से बैटरी इंडिकेशन शो होता है, इधर जब ये ऑन होता है तो इसमें किलोमीटर स्पीड और अपना ये सब कितना है और कितना सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन कितना चल चुका है, तो ये सब इसमें इंडिकेट होता है। क्वांटिटी में कितना रहने वाला है? क्वांटिटी पे इसका प्राइस रहने वाला है सर इसका 325 रुपये। 325 रुपये क्वांटिटी पर है सर, ये बात समझ लेना आप लोग के मैं अगर एक मंगाऊंगा तो मुझे इतने का पड़ेगा, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। और दूसरा, ये नेक्स्ट आइटम इसी में दूसरा वेरिएंट आ जाता है कि ये जो मीटर है रीडिंग वाला मीटर बोलते हैं इसको, इसमें आप देख सकते हैं बैटरी इंडिकेशन इधर आ जाता है, ये लेफ्ट राइट इंडिकेटर आ जाता है, ये लो बीम हाई बीम आ जाता है हेडलाइट का, ये किलोमीटर शो होते हैं टोटल कितनी चल चुकी है, और ये वाला कि कितना आप कितना एक दिन में आपने चलाया है, फिर इसको नेक्स्ट डे आप इसको फिर दोबारा रोल करके जीरो कर सकते हो, ये मैनुअली भी आप इसको कर सकते हो ऐसे रखे बट दोबारा। हाँ, आप इनको DIY प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो, जो कि स्टूडेंट वगैरह यूज करते भी हैं। ये हैंडल बार है और जिसमें स्प्लेंडर का और आईकट के दो तीन इसमें मॉडल होते हैं, अब मेरे पास दोनों मिल जाएंगे, क्वांटिटी आप वीडियो में देख ही सकते हो कितनी अभी रेडी जाने वाली है, कितना है आप देख ही रहे हो। अच्छा, लाइट नेक्स्ट आइटम हमारी रहने वाली है ये हेडलाइट, ये आईकेट हेडलाइट है, ये तो बहुत हैवी लाइट लग रही है, बहुत हेडलाइट आप यही ये इसका पूरा सेट रहता है, इसका ये इंडिकेटर ये सॉरी होल्डर है, ये इसका बल्ब है, हेलोजन बल्ब है इसमें और ये पूरा हेडलाइट है। आप यही हेडलाइट अगर कंपनी के लेते हो ल्यूमेक्स वेज रिंडर तो यही आपको 550 से 600 रुपये के बीच में मिलती है, और ये हमारे व्यूअर्स 190 से 200 रुपये के बीच में ले सकते हैं बल्क क्वान्टिटी में। बहुत उसी में फिर ये दूसरा वेरिएंट आ जाता है, ये हल्का सा साइज में छोटा होता है और ये 150 का इसका प्राइस रहता है, इसी में भी इंडिकेटर और सॉरी होल्डर और बल्ब दोनों मिल जाते हैं। अच्छा, और ये देख रहा हूँ आपके ये तो LED आ गई, ये मेरी फेवरेट हेडलाइट में से एक है, और आपने गाड़ी में DRL देखी है, ये रिक्शा की DRL रहती है, तो बहुत फेंकती है लाइट, तो पीछे बहुत लाइट फेंकती है, और इसमें मतलब ये मान के चलो विंटर में आप गर्मी में फॉग में बहुत काम करती है, फॉग में तो बहुत काम करती है,
और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक भी है इसकी, आप ये देख सकते हो, और जब ये लाइट जलती है तो बहुत सुंदर लगती है। अरे वाह, गजब 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 गजब। ये आप देख रहे हो, इसी हेडलाइट के डूम होते हैं, डूम जो उसके पीछे लगते हैं, जैसे हेडलाइट टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो इसमें दो साइज़ आते हैं, एक छोटा साइज़ एक बड़ा साइज़, वो सब मेरे पास मिल जाता है। आप ये क्वांटिटी यहाँ पे ऑलरेडी देख ही सकते हो, क्वांटिटी की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली मेरे पास, मतलब मटेरियल आपको खूब मिलेगा और मेटल के साथ साथ जो मतलब क्वांटिटी भी चाहिए वो भी आपको भरपूर मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये की लॉक वगैरह रहते हैं मेरे पास। अच्छा, की लॉक का प्राइस इसका 30 से 32 रुपए प्राइस रहता है इसका, बहुत अच्छी ये की लॉक होता है। इसी में फिर सीवाई का होता है, सीवाई का 40 से 42 के बीच में रहता है, और फिर यही जो दुकानदार होता है वो अपना ऑयल सील वगैरह, ये सॉरी पैकिंग वगैरह लेता है। ये डिफरेंशियल पैकिंग है, ये गेयरबॉक्स पैकिंग है, ये मोटर पैकिंग है, ये देख सकते हो आप मोटर पैकिंग, मतलब जितनी आइटम्स है, जितनी सारी चीज़ें थी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, ईवी रिक्शा की, वो सारी की सारी यहाँ पर आपको भरपूर देखने के लिए मिल गई और सारा मटेरियल आ गया। और लास्ट में सर ये बताइए क्या ये अपना रहने वाला है, फ्रंट ग्लास विंडशील्ड फ्रेम रहने वाला है, ये मेरे पास कंप्लीट मिल जाएगा मात्र 1350 रुपये में। और अगर आपको सिर्फ ग्लास चाहिए वो ये देखो, ये सिर्फ ग्लास चाहिए वो भी मिल जाएगा, और व्यूअर सारे देख सकते हैं इसकी ये बिडिंग होती है, रबर बिडिंग, ये मिल जाएगा। सिर्फ फ्रेम चाहिए, फ्रेम मिल जाएगा। ये कितने का पड़ेगा? ये मोटा मोटी 1350 रुपये, 1300 से 1350 की इसकी कॉस्टिंग रहती है, और अलग अलग चाहिए तो फिर उसका अलग अलग प्राइस रहने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, सारी बातें विकास भाई ने बताई हैं। अब दूसरी बात, अब ये इंपॉर्टेंट बात ये बताइए सर कि उसमें जो पैसे का लेन देन होगा वो किस तरीके से रहेगा, क्या अकाउंट में आएगा, कुछ देना पड़ेगा, डिलीवरी क्या रहेगी? पैसे का लेन देन ऐसे रहता है कि जो कस्टमर अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको पता है डील कैसे होती है, वो क्या करते हैं कि ऑर्डर लगाते हैं, पैसे वो भेज देते हैं अकाउंट में, और उसके बाद या फिर कैश हमें भेज देते हैं, तो उसके बाद वो माल हम उसका नेक्स्ट डे मोस्ट प्रोबेबली डिस्पैच कर देते हैं, चाहे वो पैन इंडिया में कहीं पर भी हो। जो नए कस्टमर आएंगे, जुड़ेंगे आपके माध्यम से इरेक्शा लाइन में, तो उनको जैसे वो कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, और फिर हम उनको बता देंगे कि कैसे कैसे उनको पेमेंट करेंगे और कैसे कैसे हम फिर माल भेजेंगे। लोगों का ये सवाल भी रहता है, इनसिक्योरिटी भी रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि हम पैसा दें, हाँ माल ना पहुँचे, कहीं टूट जाए, कुछ और हो जाए, तो उसके लिए क्या खाएंगे? अकरम भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि ई रिक्शा लाइन में काफ़ी रेपुटेटेड, एज अ मेरी भी वीडियो है ऑलरेडी यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, मैं कोई आज से नहीं हूँ, 7-8 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, और मार्केट में मैं बहुत पुराना हूँ, मेरा भी खुद का नाम है विकास कश्यप मेरा नाम है, और उस हिसाब से अब मैं इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा वेयर हाउस, और मेरे एक लखनऊ में टीम बैठी है, तो कोई मजाक करने के लिए नहीं बैठी है, आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों के लिए बैठी है। देखिए, आपके सवाल कमेंट्स में अक्सर होते हैं, और वो सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, और ये सवाल मैंने आज भी पूछा, और विकास भाई ने बहुत क्लियरली इसका जवाब भी दे दिया कि वो क्या है, कि और दूसरे वेयर हाउस में है, पुराने आदमी है, और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम, मेरा ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, मेरा GST नंबर भी है, मेरा दिल्ली का GST नंबर भी है, मेरा लखनऊ का GST नंबर भी है। बहुत बढ़िया, जितनी डिटेल है इनकी वो सब मैं बाकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू विकास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी के जो शौकीन हैं, या जब बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, या काम करना चाहते हैं, शॉप करना चाहते हैं, या बड़े की डीलिंग करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी, चाहे वो छोटा शहर हो, गाँव हो, बड़ी स्टेट हो, बड़ा ज़िला हो, कुछ भी हो, या बड़े स्केल पर हो, छोटे स्केल पर हो, उसके लिए ये काम बहुत बेहतर और बढ़िया है, क्योंकि आने वाला आदमी वही है जो उड़ती हुई हवा को समझे और जाने, उसकी खुशबू को पहचाने। तो आने वाला जो वक्त है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है, मेरा काम था आपको दिखाने का, और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने चीज़ें, और यहाँ पर विकास जी ने भी बहुत साफ सुथरे तरीके से सब दिखाई, बताई, समझाया आपको। तो आप जो भी आप डील करना चाहें वो इनसे कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में सारी मैं इनकी डिटेल दे दूँगा। और आज के लिए इतना ही, मुझे पूरी उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आदाब, नमस्कार।